थार रॉक्स की बुकिंग और टेस्ट ड्राइव शुरू होने में बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है और अब लोग कंफ्यूज्ड हैं। बहुत लोग ये सोच रहे हैं जिन्होंने पहले स्कॉर्पियो एन का मन बना रखा था कि अब स्कॉर्पियो एन ली जाए या फिर थार रॉक्स ली जाए। सो इस तरीके के कई सारे सवाल इंस्टाग्राम पर मुझे कमेंट्स में डीएम में आते हैं। इसको लेकर के मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई और उस शॉर्ट वीडियो में भी आप लोगों के बहुत सारे सवाल आए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक थोड़ी सी डिटेल्ड वीडियो बना दी जाए उन लोगों के लिए जो कंफ्यूज्ड हैं कि स्कॉर्पियो एन और थार रॉक्स में से किसको चुना जाए। आप कहेंगे कि भाई इनका क्या कंपैरिजन, एक 7 सीटर गाड़ी है, एक 5 सीटर गाड़ी है। लेकिन ये वीडियो खास तौर से उनके लिए है जो अपने लिए एक सॉर्ट ऑफ 5 सीटर व्हीकल देख रहे हैं, स्कॉर्पियो एन का 6 सीटर ऑप्ट करना चाहते हैं और इस वजह से एक कंपैरिजन कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के आखिर में स्कॉर्पियो एन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और गजब की इंफॉर्मेशन देने वाला हूं मैं आपको, सो मेक श्योर कि वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हिट द बेल आइकन ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चूंकि थार रॉक्स 4x4 की अभी तक प्राइसिंग नहीं आई है तो इस वजह से हम कंपैरिजन करने वाले हैं इसके 2-व्हील ड्राइव वाले वेरिएंट को ही। सो इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं XL जो टॉप एंड वेरिएंट है थार रॉक्स का ऑटोमेटिक डीजल 2-व्हील ड्राइव में, और हम कंपैरिजन कर रहे हैं ZL स्कॉर्पियो N का 6 सीटर ऑटोमेटिक 2-व्हील ड्राइव में। सो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है जी कि जो स्कॉर्पियो N है वो 6 और 7 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन में हमें देखने को मिलती है। हम जिस वेरिएंट की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली वो 6 सीटर वेरिएंट ही है, तो हम वहीं तक कॉन्वर्सेशन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। बात अगर थार रॉक्स की करें तो थार रॉक्स आपको सिर्फ 5 सीटर में ऑफर की जाती है। बात अगर प्राइसिंग की करें तो दोनों की प्राइसिंग में 2,16,000 रुपए का अंतर है। स्कॉर्पियो N ZL जो डीजल ऑटोमेटिक 2-व्हील ड्राइव है वो आपको कॉस्ट करता है 2,265 शोरूम। थार रॉक्स का जो 1.7L है डीजल ऑटोमेटिक वो आपको कॉस्ट करता है 2,049 यानी 20,49,000 रुपीज। तो इस डिफरेंस को अगर आप देखेंगे तो ये 2,16,000 रुपए का हो जाता है। अब बात करते हैं इंजन की। थार रॉक्स में यानी 5-डोर थार में आपको स्कॉर्पियो N वाला ही रीट्यून्ड इंजन मिलता है, 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर का डीजल इंजन। जो रीट्यूनिंग है आपको ऐसा सुनकर लगेगा कि रीट्यून्ड है तो थार रॉक्स बेहतर परफॉर्म करती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस वेरिएंट को हम कंपेयर कर रहे हैं यानी कि डीजल ऑटोमेटिक 2-व्हील ड्राइव में, इसमें स्कॉर्पियो N 400 Nm की जो टॉर्क है वो जनरेट करता है और थार रॉक्स 370 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, यानी 30 Nm का टॉर्क जो है वो कम हो जाता है थार रॉक्स में। पावर दोनों ही जो गाड़ियां हैं स्कॉर्पियो एंड थार रॉक्स उनमें सेम है। बात अगर सारी चीजों की कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म की भी बात कर लेते हैं। थार रॉक्स जो है वो बेस्ड है स्कॉर्पियो N वाले प्लेटफॉर्म पर ही, लेकिन थार रॉक्स में एक नया रीडिफाइंड जो है आपको प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है विच इज M ग्लाइड प्लेटफॉर्म। अब चलो जी, अब बहुत इंटरेस्टिंग बात होने वाली है क्योंकि बात हम करने वाले हैं डायमेंशन की। सो पहले थार रॉक्स के डायमेंशन में आपको बता देता हूं। तो थार रॉक्स के लेंथ की अगर बात करें तो ये होती है 4,428 mm। साथ ही साथ स्कॉर्पियो N का भी एक कंपेरिजन मैं देता चलता हूं, तो स्कॉर्पियो N की लेंथ होती है 4,662 mm, यानी देखेंगे तो स्कॉर्पियो N लंबी होती है। विड्थ अगर आप देखें तो थार रॉक्स की है 1870 mm, जबकि स्कॉर्पियो N की विड्थ है 1917 mm, यानी विड्थ भी जो है वो स्कॉर्पियो N की ज्यादा हो जाती है। हाइट की अगर हम बात करते हैं तो हाइट थार रॉक्स की होती है 1923 mm, जबकि स्कॉर्पियो N की हाइट होती है 1857 mm। सो सरप्राइजिंगली थार रॉक्स जो है वो ज्यादा आपको ऊंची लगेगी स्कॉर्पियो N के कंपैरिजन में। बात अगर व्हील बेस की करें तो व्हील बेस में भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक चीज है। व्हील बेस जो है थार रॉक्स का वो हो जाता है 2850 mm, जबकि व्हील बेस स्कॉर्पियो N का होता है 2750 mm। सो ज्यादा व्हील बेस इसका मतलब थोड़ा सा और एडेड कंफर्ट, तो यहां पर जो है इस तरीके का कंपैरिजन है। वाटर वेडिंग कैपेसिटी की अगर बात करें तो थार रॉक्स की वाटर वेडिंग कैपेसिटी है 650 mm, क्योंकि भाई देखिए वो गाड़ी अलग ही पर्पज से बनी हुई है, ऑफ रोडिंग व्हीकल के तौर पर जीपर है तो उसको उस तरीके से देखा जाता है। स्कॉर्पियो N की जो वाटर वेडिंग कैपेसिटी है वो है 500 mm। बात थर्ड रो के प्रैक्टिकलिटी की भी कर लेते हैं। देखिए थार रॉक्स में तो कोई थर्ड रो है नहीं, स्कॉर्पियो N में थर्ड रो आता है।
लेकिन थर्ड रो में एसी वेंट्स आपको नहीं मिलते हैं स्कॉर्पियो एन में। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि जो थर्ड रो में दो सीट्स हैं वो 50-50 स्प्लिट में फोल्ड नहीं होती हैं, वो पूरा का पूरा बेंच सॉर्ट ऑफ ही फोल्ड हो जाता है। और जब वो फोल्ड होता है ना तो ऐसा भी नहीं है कि फ्लैट फोल्ड होता है, उसमें थोड़ी सी स्पेस पीछे सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा हम्प जो है वो आपको नजर आता है। तो कई लोगों की ये पर्सनल चॉइस है, बाकी मैं मानता हूं कि प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से जिस तरीके से एक्सयूवी 700 में है कि आपको 50-50 स्प्लिट दी जानी चाहिए, ताकि मान लो कि अगर पांचवा पैसेंजर बैठा हो सिक्स सीटर में या छठा पैसेंजर बैठा हो सेवन सीटर में, तो कम से कम एक सीट पर आप थोड़ा लगेज या कुछ कुछ चीजें काम की आप रख सको। तो ये प्रैक्टिकलिटी जो थर्ड रो की है स्कॉर्पियो एन की, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए जी, अब मैं आपको बताता हूं 10 ऐसे की इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आपको स्कॉर्पियो एन वर्सेस थार रॉक्स में मिलते हैं। सो नंबर वन, थार रॉक्स में आपको मिलता है 19 इंच का अलॉय व्हील। जिस वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, हम कंपेयर कर रहे हैं 17L टू व्हील ड्राइव डीजल ऑटोमेटिक को स्कॉर्पियो एन के ZL डीजल ऑटोमेटिक टू व्हील ड्राइव से। सो थार रॉक्स में आपको 19 इंच का डायमंड कट अलॉय व्हील जो है वो मिलता है। स्पेयर व्हील में भी आपको 19 इंच का डायमंड कट अलॉय ही मिलेगा, जबकि स्कॉर्पियो एन में आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, डायमंड कट अलॉयज, और स्पेयर व्हील में 18 इंच का स्टील व्हील मिलता है, 18 इंच का डायमंड कट अलॉय नहीं मिलता है। गाड़ी के इंटीरियर में अगर आप आते हैं तो इंटीरियर में स्कॉर्पियो एन में आपको 7 इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है, जबकि जो थार रॉक्स है उसमें आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है 10.25 इंचेस का। बात अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की भी करें तो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो स्कॉर्पियो एन में आपको 8 इंच का मिलता है, जबकि थार रॉक्स में आपको बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है ऑफ 10.25 इंचेस अगेन। स्कॉर्पियो एन के फ्रंट और रियर में कैमरा मिलता है, जबकि जो थार रॉक्स है उसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है। थार रॉक्स में आपको पैनोरामिक सनरूफ जो है वो इस वाले वेरिएंट में मिलती है, जबकि स्कॉर्पियो एन में कोई भी पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको सिंगल पेन सनरूफ ही देखने को मिलती है। सेफ्टी के लिहाज से थार रॉक्स में आपको मिलता है ADAS लेवल 2, और जिसमें बहुत ही एडवांस तरीके के फीचर्स हैं। ऑलरेडी हम उस पर एक बड़ी डिटेल वीडियो बना चुके हैं, आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, चेकआउट जरूर कर लेना, ताकि आप अपने लिए एक वैल्यू फॉर मनी थार रॉक्स का अगर आप देख रहे हो तो वो चूज कर सकते हो। सो ADAS लेवल 2 मिलता है थार रॉक्स में, स्कॉर्पियो एन में ADAS नहीं मिलता है। थार रॉक्स में आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड फंक्शन, जबकि स्कॉर्पियो एन में आपको मैनुअल हैंड ब्रेक ही देखने को मिलता है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक या ऑटो होल्ड जैसा फंक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। म्यूजिक के शौकीन लोग यहां भी एक तरीके का कंपैरिजन जो है वो चाहते हैं, तो वो कंपैरिजन भी मैं आपको बता देता हूं। जो थार रॉक्स है उसमें आपको हार्मन कार्डन का जो है पूरा सेटअप देखने को मिलता है, जबकि स्कॉर्पियो एन में आपको सोनी के ट्यून जो पूरा म्यूजिक सिस्टम है वो मिलता है। दोनों का अपना अपना एक्सपीरियंस है, दोनों की साउंड क्वालिटी भी अलग अलग है, आप दोनों में जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो एक कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं इसमें अपना ओपिनियन अभी के लिए नहीं देना चाहता, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है किसी भी इंसान की अपनी चॉइस होती हैं और ये चीज़ें बहुत सब्जेक्टिव होती हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, बल्कि दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। देखिए क्या है कि थार रॉक्स के जो 4x4 वेरिएंट्स हैं उनकी प्राइसिंग अभी तक नहीं आई है। ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूं कि 1.25 लाख रुपए का डिफरेंस आएगा 4x4 वेरिएंट्स में, क्योंकि महिंद्रा ने थार रॉक्स की प्राइसिंग को बड़ा ही अग्रेसिव रखा है। सो बात अगर 4x4 वेरिएंट्स की करें ना, तो थार रॉक्स में दो इंपॉर्टेंट फीचर मिलते हैं। एक इंटेली टर्न वाला फीचर जो कि रेडियस को, टर्निंग रेडियस को बहुत कम कर देता है, ऑफ रोडिंग में बड़ी ज्यादा मदद मिलती है, जहां पर भी टर्निंग रेडियस कम है वहां इस फीचर को टर्न ऑन करके आप बहुत कम जगह से ही गाड़ी को रोटेट कर सकते हैं। दूसरा जो फीचर है वो है स्मार्ट क्रॉल का, यानी कि मान लीजिए बड़ा कोई रफ टेरेन है उस पर आपको क्लाइंब करना है, तो ये स्मार्ट क्रॉल का फंक्शन जो है वो आपको बहुत स्मूदली जो है उस टेरेन को कॉन्कर करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो ये जो दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है ना, ये बड़े कमाल के हैं। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। भाई ये जो सवाल है ये सबसे कॉमन है, इस बात को लेकर इतने कमेंट्स मेरे पास आए, इतने DMs आए कि भाई एवरेज बता दो थार रॉक्स का क्या एवरेज है। और मैंने सबको यही लिखा कि भाई जब तक कोई ऐसा फिगर आती नहीं है तब तक अपनी तरफ से बताना सही नहीं होगा। तो चलो स्कॉर्पियो एन और थार रॉक्स दोनों का फिगर मैं बताता हूं। हाल ही में एक आर्टिकल आया था जिसमें
स्कॉर्पियो इन का पहली बार कंपनी ने ऑफिशियली फिगर जो है वो रिलीज किया था, वो फिगर कुछ ऐसी थी कि पेट्रोल में 12-12.5 के आसपास की एवरेज है मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों में, डीजल में 15-15.5-15.42 के आसपास की फिगर है ऑटोमेटिक में, मैनुअल में और ऑटोमेटिक में सॉरी। तो जैसा मैंने कहा कि ऑलमोस्ट सेम तरीके का इंजन ही है, थार रॉक्स में हल्का सा रिट्यून किया गया है, तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब हमें मिल जाता है। इसको लेकर भी क्लैरिटी आ चुकी है कि थार रॉक्स का भी जो एवरेज है, जो फ्यूल इकोनॉमी है, जो माइलेज है, वो सिमिलर ही रहने वाली है, यानी 12-12.5 के आसपास आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक पेट्रोल में मिलेगा और 15-15.5 के आसपास आपको डीजल मैनुअल और ऑटोमेटिक में मिलेगा। अब आखिरकार वो बात जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में कही थी कि एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताने वाला हूं रिगार्डिंग स्कॉर्पियो एन। तो भाई देखिए जी, बहुत सिंपल सी बात है, जो XUV 700 है वो थोड़ा सा प्रीमियम हो जाती है गाड़ी, उसके नीचे स्कॉर्पियो इन की प्लेसमेंट है, फिर जो है थार की प्लेसमेंट है, लेकिन जिस तरीके के फीचर्स दे दिए गए हैं थार रॉक्स में, बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर फीचर्स दे दिए गए हैं स्कॉर्पियो इन से। तो कुछ बहुत ही ऐसे ट्रस्टेड सोर्सेज हैं, जैसा कि कुछ वेबसाइट्स बताती हैं, उनका ये कहना है कि बहुत जल्द हमें स्कॉर्पियो इन में ये सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ मिलेगा आपको, ADAS लेवल 2 मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल, 360 डिग्री कैमरा, जैसे तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। हालांकि ये है कि अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल फेसलिफ्ट की कोई ऐसी डेट नहीं आई है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। बट हाँ, एक जो कंपैरिजन आप में से बहुत लोग चाह रहे थे ना कि स्कॉर्पियो एन वर्सेस थार रॉक्स का हमें कंपैरिजन दे दो, तो ये है कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो आपके लिए। कोई पॉइंट अगर मेरी तरफ से मिस हो गया हो तो कमेंट्स में छोड़ देना, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा आपको। किसी भी तरीके का सवाल हो, किसी भी गाड़ी से रिलेटेड या इन गाड़ियों से रिलेटेड, बाकी हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी ऐसा कंटेंट, ऐसा वीडियो आप मिस ना कर पाए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई बातों के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ।